हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं IGIMS हॉस्पिटल पटना के अंदर हूँ और मैं आज फिर से आ गया हूँ IGIMS हॉस्पिटल। आप देख सकते हो पीछे में IGIMS हॉस्पिटल का लोगो कुछ कैसा है, और अभी पीछे में अंधेरा टाइप का होगा क्योंकि अभी सुबह के हो रहे हैं 4 और मैं इधर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। सभी लोग सोए हुए हैं और इधर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैं कल ही आया हुआ था और क्या करें, आना तो पड़ेगा क्योंकि आज सुबह सुबह डॉक्टर से दिखवाना है। तो आज मैं डॉक्टर से दिखवा के फिर आपसे मिलता हूँ, और फिर पटना का मेन मार्केट जो होगा या यही मार्केट होगा, मार्केट भी थोड़ा आज घूम लूँगा। तो तब जो कुछ भी शॉपिंग मैं करूँगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ आगे, और आगे देखिए मैं आपसे कहाँ मिलता हूँ। हाँ गाइज, हम IGIMS हॉस्पिटल कल ही आए हुए थे, कल शाम में आए हुए थे। और क्यों आए थे मालूम है? आए थे, मम्मी का ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है, तो मम्मी तो आई नहीं क्योंकि मम्मी का काम ही नहीं था आने का, क्योंकि सिर्फ हमको दवा लेना था डॉक्टर से मिलके। तो फाइनली हम ये काम कर लेंगे अकेले ही, तो मम्मी के लाने के लिए ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। तो ऐसे घर पे रहेगी तो सेफ रहेगी मम्मी भी। हाँ गाइज, अभी तो आपने देखा ही होगा IGIMS हॉस्पिटल में कितना भीड़ रहता है, और यहाँ पर डे लगभग 2000 मरीजों का इलाज लगभग होता है, और 2000 से 2500 का इलाज तो पक्का होता ही होगा। तो अब हम मिलते हैं आगे, क्योंकि मैं डॉक्टर से मिल भी चुका हूँ और उन्होंने दवा लिख भी दिया है, और जा रहा हूँ मैं अभी दवा खरीदने के लिए। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा मार्केट की तरफ, तो मिलते हैं डायरेक्ट मार्केट में, नहीं तो दवा पहले तो खरीदने दो। फाइनली गाइज, मैं दवा खरीद चुका हूँ और जा रहा हूँ अभी कुछ नाश्ता करने के लिए। हालांकि भूख लगा है सुबह से, क्योंकि बिस्कुट ही अभी तक सिर्फ खाए हुए हैं। और तो सबसे पहले हम IGIMS हॉस्पिटल बाहर जाएंगे और नाश्ता कुछ करेंगे, उसके बाद जाएंगे फिर पटना जंक्शन, और फिर ट्रेन पकड़ के जाएंगे मधुबनी। तो भूख तो लग गई है हमको, बहुत भूख लगा हुआ है, तो जाएंगे पहले सबसे पहले खाते हैं, इसके बाद बात करते हैं आपसे। हाँ गाइज, हम IGIMS हॉस्पिटल से नाश्ता करके और आगे अभी स्टेशन के पास, स्टेशन के बगल में पटना जंक्शन के बगल में है क्या भाई, महावीर मंदिर। महावीर मंदिर के पास मैं अभी आ गया हूँ, और मैं पटना आता हूँ तो महावीर मंदिर घूम ही लेता हूँ। बहुत बढ़िया मंदिर है। ऐसे हम महावीर मंदिर पर 2 वीडियो बना चुके हैं पहले भी, ये मेरा 3रा वीडियो है। तो हम चलते हैं अब अंदर भगवान को नमस्ते करने के लिए। महावीर मंदिर का लोगो कुछ ऐसा है, और अभी बाहर में पंडाल वगैरह सब बन रहा है, इसके कारण अभी बांस वूस सब लगा हुआ है, और बहुत अच्छा मंदिर आप देख सकते हो महावीर मंदिर कैसा है। चलिए मैं अभी अंदर जाता हूँ। अभी हम महावीर मंदिर के सेकंड फ्लोर पर हैं, और पीछे में देख सकते हो पटना का, पटना जंक्शन का लोगो कुछ ऐसा है, और बहुत अच्छा लोगो है, कितना सुंदर लोगो है देख सकते हो। और ये पार्किंग, पार्किंग भी बहुत सुंदर है, और बहुत बड़ा जंक्शन है गाइज, बहुत मज़ा आता है घूमने के में। और जब आप भी आते हैं पटना तो बगल में महावीर मंदिर है, आप भी जरूर घूम लीजिएगा। तो हम चलते हैं स्टेशन, क्योंकि महावीर मंदिर पर हम कितना देर रुकेंगे, लगभग 15-20 मिनट रुक चुके हैं, और जाते हैं अंदर ही, और ट्रेन भी आने वाली है तो जाना पड़ेगा। फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन के अंदर, देख रहे हैं ये ट्रेन में अभी हम हैं, और ये 3:25 में ट्रेन निकलेगी, तो अब 10-15 मिनट के बाद 3:25 तो हो जाएगी, तब हम जाएंगे फिर पटना, जाएंगे फिर अपना घर। चाहे जिंदगी है, समा है तो
सके ऐसी जीत अब चाहे।